हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारे दिन हो गए मैं व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि हेल्थ इशू भी था और बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट था। इसीलिए मैं प्रॉपरली एक 3-4 डेज़ हो गया मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं कर पाई। और उम्मीद करते हो आप सब लोग अच्छे हैं। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं कारवार कर्नाटक से बिलोंग करती हूँ। और आप भी कमेंट में बताइए आप लोग भी क्या कर रहे हैं, आप भी कहाँ से हैं और कैसे चल रहा है सब कुछ। तो थोड़ा बिज़ी भी हो गई थी मैं, जैसे कि बताया बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था। और क्योंकि लास्ट टाइम भी एग्ज़ाम हम जो क्लास टेस्ट था वो मिस हो गया था, क्योंकि एक शादी के लिए गए थे, तो उस वजह से तभी भी अटेंडेंस बैक था उनका। तो इसीलिए सोचा इस बार फोकस स्टडी पे दिए, तो एग्ज़ाम्स वगैरह कंप्लीट हो गए अभी। हाँ, वो लोग भी टेंशन फ्री है, तो सोचा ये राइट टाइम होगा व्लॉग बनाने के लिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ माई मेकअप पाउच। मेकअप पाउच कहने के लिए बहुत सारा मेकअप कुछ नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मली सिंपल रहना अच्छा लगता है मुझे, मतलब सिंपल लुक जो है वो अच्छा लगता है। एकदम ग्रैंड मेकअप जो करना उतना वगैरह मुझे पसंद नहीं है। तो जैसे मैं सिंपल मेकअप करती हूँ उस तरीके से प्रोडक्ट्स है मेरे पास, तो सोचा आपसे भी शेयर कर लूँ, आपको भी यूज़फुल होगा। क्योंकि एक पाउच जैसा है वो पाउच मैंने अमेजोन से ख़रीदा था। आजकल मेकअप पाउच वगैरह बहुत सारे ऑनलाइंस में है, मीशो में है, फ्लिपकार्ट में है, अलग सभी साइट्स में है, जो जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल होता है कैरी करने के लिए आप देखकर ले सकते हैं। जो मैंने लिया उस तरीके से कुछ मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगी, आप भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, मेकअप पाउच दिखा देती हूँ आपको क्या क्या है। और ये देखिए, ये मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता देती हूँ किस तरीके से है। तो ऐसे नहीं दिखेगा। तो ये मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग के वगैरह कैरी करने के लिए ना मुझे बहुत ही यूज़फुल होता है, तो इसीलिए मैं ये ली हूँ। एकदम छोटा भी नहीं, एक बड़ा भी साइज़ नहीं, बैग में वगैरह फिट हो सके। एक बड़ा सा बैग रहता है ना, उस बैग में ये फ़िट हो जाए, इसलिए इस तरीके से मैंने ली हूँ। तो क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूँगी। तो ये है ट्रैवल बैग, तो इस पे 3 कंपार्टमेंट्स हैं। ये देखिए यहाँ पे सामने, तो ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, इस तरीके से 3 कंपार्टमेंट्स है इस पे। और कहा जाए तो फर्स्ट वन में मैं रखती हूँ, तो ये कंपार्टमेंट में है ये, तो ये फर्स्ट वाला जिप में है। और ये नेट है, क्योंकि मुझे तो बहुत यूज़फुल होता है, क्योंकि हम नॉर्मली स्कार्फ बनते हैं ना, तो हेयर के लिए बहुत यूज़फुल होता है ये नेट। उसके बाद में एक स्मॉल इबा का है, परफ्यूम है। मैं रील्स वगैरह बनाई हूँ इबा के बारे में, फुल एक मेकअप सेट का। अगर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर रहे थे आपको पता चलेगा किस तरीके से मेकअप बॉक्स, वो तो उनका भी साइट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनके पास। तो एक छोटा सा परफ्यूम है, और ऐसे रबर, ये सभी क्लिप, ये सभी ना मुझे इमरजेंसी के लिए यूज़फुल होता है, तो मैं ये नॉर्मली इस पे कैरी करती हूँ। ऐसे क्लिप, ये देखिए इस तरीके से। और छोटे छोटे हेयर रिंग्स वगैरह है ना, मुझे ऐसे ड्रेस पे वगैरह मैचिंग के लिए पहनने के लिए बहुत सारे ऐसे मैं रख देती हूँ इस पे। तो ये रहा इसके अंदर के प्रोडक्ट्स। तो जैसे सेकेंड कंपार्टमेंट में, अगर इसमें बात करें तो ये है एक्चुअली लिप, चीक और टिंट तीनों के लिए यूज़फुल है ये। लिप बम जैसे, ये भी अपना इबा के प्रोडक्ट्स में ही मुझे मिला था। फुल मेकअप सेट बॉक्स उनके इस पे चलता, अगर आप उनके साइट में, वेबसाइट में जाओगे ना, तो फुल मेकअप सेट का बॉक्स वगैरह है उनके पास। तो ये देखिए, ये इस तरीके से बहुत ही अच्छा लगता है। ये भी लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर ये लिप बम हम लगाते हैं तो। तो ये चीक के लिए भी है, लिप्स के लिए भी है, टिंट के लिए भी है, बहुत ही बढ़िया सा एक 3-in-1 कॉम्बिनेशन है। तो उसके बाद आएगा लिपस्टिक्स, जैसे कि अब मैं नॉर्मली लगाती हूँ एलेटेन की, मैट एलेटेन की है ये, मैट लिपस्टिक है, और इबा की है। ये सब एक्चुअली कलर के, अगर शेड की बात करें तो एक लाइट सा शेड है ये सारे।
देखिए ये मैं अब यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारे लाइट शेड्स हैं और एक काजल है, आईब्रो के लिए भी यूज़ होता है, काजल के लिए भी यूज़ होता है मुझे। और ये भी ना डाइगा का है, बीटरूट लिप बम है, ये सिर्फ लिप बम है, तो ये भी बहुत ही बढ़िया है। ये आप कंटिन्यूसली अगर यूज़ करने लगते हैं तो ना लिप्स वगैरह एकदम पिंकिश हो जाएगा। रात में जैसे सोते वक्त लगा करके सोना है, या तो फिर दिन में भी अगर यूज़ कर रहे तभी भी बहुत यूज़फुल होता है ये। और अगर बात करें, ये है एलेटिन की मैट लिपस्टिक, ये भी एक अलग सा है, इसकी बुरी हालत हो गई है क्योंकि ये ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं इसीलिए। और ये है नायका का, ये मुझे बहुत क्यूट सा एक स्मॉल सा है, बहुत पसंद आता है मुझे, एक पिंकिश शेड है, जैसे कि लिपस्टिक लगाया हुआ है ऐसे लगता ही नहीं है अगर लाइटली हम इसको लगाते हैं तो ये नायका का है, ये भी बहुत ही बढ़िया है, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये तो मस्त है, स्कार्फ पिन से ये मुझे यूज़ होता है इसीलिए मेरे पाउच में हर वक्त रहता है। लिपस्टिक जैसे मैं शेड के हिसाब से चेंज कर रहती हूँ, लेकिन मुझे जैसा अच्छा लगता है लाइट शेडिश वगैरह, तो ये भी नायका, ये लैक्मे का है, ये भी एक लाइट शेड है, न्यूट शेड है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। उसके बाद अभी नया लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया है ये कहाँ से मैंने परचेज़ किया था, तो एब्सोल्यूट ग्लैम से मैंने परचेज़ किया था ये वाला नायका का। तो आप भी अगर कारवार में कोई है तो जा करके देख सकते हैं उनके शॉप में। तो ये सारे ये सेकेंड वाला कंपार्टमेंट में रहता है ये जो आइटम्स है, तो जैसे आपने देखा। तो ये ना मुझे ऐसे बैग्स में वगैरह कैरी करने के लिए ना बहुत ही अच्छा लगता है इसीलिए ये ली हूँ। और अगर अब थर्ड बात जिप के बात करेंगे तो एक कोम मैंने रखा है, मस्ट है, काम पे भी जाते हैं तो बहुत यूज़फुल होता है इमरजेंसी के लिए वगैरह। तो और मैं ना जब भी मेकअप करती हूँ तो विको टर्मरिक मेरा हंसो मत आप, क्योंकि पहले से मैं यूज़ करते आ रही हूँ, जैसे कि बचपन से, मतलब नॉट बचपन से, जैसे हम ग्रोथ हो गए, एक टीनेज हो गए, तो वो टीनेज के बाद में मुझे अच्छा लगा तो यही है विको टर्मरिक। तो एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जैसा ही है ना, तो ये मैं यूज़ करती हूँ कुछ भी मेकअप करती हूँ उसके पहले फर्स्ट जो है स्टार्टअप इससे करती हूँ मैं ये क्योंकि हाँ थोड़े लोग मॉइस्चराइज़र लगाते हैं तो उस मॉइस्चराइज़र के यूज़ में मैं ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। और ये तो लास्ट में बता दी ये सारे प्रोडक्ट, ये फाउंडेशन है लैक्मे का, और उसके बाद में अगर मुझे कुछ फाउंडेशन लगाना है ये विको टर्मरिक क्रीम लगाने के बाद मैं कुछ फाउंडेशन लगा लेती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना है। कभी भी आप कुछ भी लगा रहे हो फाउंडेशन जैसे, तो आपको पहला क्या करना है बेसिक जो होता है आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। कई सारे आप मेकअप अगर वीडियोज़ देखते हैं तो उस पर आपको पता चलेगा, तो उस हिसाब से मैं ये लगाती हूँ, मुझे सूटेबल होता है मेरे स्किन के लिए। तो उसके बाद मैं फाउंडेशन जो भी यूज़ करना है वो यूज़ कर लेती हूँ। तो लैक्मे का एक है फाउंडेशन, ये ईबा का है, ईबा कॉस्मेटिक्स का, तो उनका भी एक है, ये भी मस्त है, ये भी मेरे जो उनके ना अलग अलग फेस टोन का है, अगर आप दे चाहिए तो उस पर चेकआउट करें तो पता चलेगा आपको। अगर कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर रहे हैं आपको जैसे स्किन है ना उस तरीके से एकदम फेयर है तो नॉर्मल जैसा लीजिए, तो उस हिसाब से उनके पास अवेलेबल होता है, तो वो देख करके आप परचेस करेंगे तो आपके स्किन को जो है सूटेबल होता है वही आपको मिलेगा, ठीक है। और ये तो कंसीलर है, ये ईबा का ही है कंसीलर, एक्चुअली नॉर्मली यूज़ होता है मुझे तो डार्क सर्कल से इसीलिए यूज़ होता है, लेकिन मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है यूज़ करना है शादी वगैरह में जाने के टाइम तभी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। और ये मामाहित का एक एंटी पोल्यूशन फेस क्रीम है, जैसे धूप में वगैरह जाते हैं तो ये कभी कभी लगा लेती हूँ, अगर ये लगा कर ऐसे ही छोड़ देती हूँ और कुछ क्रीम नहीं लगाती हूँ अगर मुझे लगता है तो अभी, क्योंकि ये भी बहुत ही बढ़िया सा प्रोडक्ट है मामाहित का, जो भी प्रोडक्ट्स है ना बहुत ही अच्छा है, टर्मरिक है इसमें, एलोवेरा है, तो ये एंटी पोल्यूशन क्रीम है, ठीक है। तो ये नॉर्मली जब भी बहुत सारे धूप में जाती हूँ तभी लगाती हूँ मैं, मतलब एकदम कड़क धूप में वगैरह बाहर जाते हैं ना, ये भी एक टाइप कंसीलर ही है। तो ये कंसीलर वगैरह ज़्यादातर कुछ फंक्शन के लिए जा रही हूँ, जैसे लगता है मुझे लगाना है तो उस तभी लगाती हूँ मैं। तो ये ख़त्म, उसके बाद ये अगर फाउंडेशन लगाने के बाद मुझे लगता है कुछ कॉम्पैक्ट लगाना है तो मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, इभा का था तो वो ख़त्म हो गया मेरे पास, तो अभी
कॉम्पैक्ट में लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ। लैक्मे का प्रोडक्ट भी ना बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि पहले से है ना वो प्रोडक्ट, अभी बहुत सारे आ गए हैं, अगर पहले से लोग यूज़ कर रहे तो उनको पता चलेगा लैक्मे प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। क्योंकि मेरे मामा भी यूज़ कर रही थी, तो उन्हीं से मुझे ये सब लैक्मे का प्रोडक्ट यूज़ करने का, और ये भी को टर्मरिक का, ये सब उन्हीं के चॉइसेस है, तो फिर मैंने वो कंटिन्यू कर लिया। और आपके स्किन को जैसे ना सूट होता है उस तरीके से क्रीम से लगाइए, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग क्रीम लगा देते हैं हम फिर स्किन पे। ये एक ब्लश जो रखा है मैंने, अगर चाहिए तो, ये ज़्यादातर मेरी बेटी यूज़ करती है तो मुझे तो ज़्यादा नहीं लगता है, अगर लगा तो कॉम्पैक्ट लगाने के बाद जस्ट चट चट जस्ट कॉम्पैक्ट लगाने के बाद जस्ट टचअप के लिए यूज़ होता है। और ये आईलाइनर है, आईलाइनर भी मस्त कभी भी फंक्शन में यूज़ होता है नॉर्मली। तो ये दो है देखिए, फिर ज़्यादातर ऐसे आईब्रोज़ के लिए, तो ये यहाँ पे ये थर्ड वाला कंपार्टमेंट ना, ये छोटा वाला ऐसे एग्जिब है देखिए, तो इतनी सारी चीज़ें ना इसमें आराम से फिट हो जाती है। और भी अगर रखना है तो और भी, देखिए मेरे पास तो उतना प्रोडक्ट मैंने बताया, तो जितना चाहिए उतना ही रखी हूँ, तो इसीलिए मुझे ये एकदम कंफर्टेबल। और भी अगर आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं यहाँ पे, और सेकेंड वाले में भी बहुत सारा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो खाली पड़ा है, यहाँ पे और चाहिए तो रख सकते हैं, जो मुझे जो यूज़फुल के लिए लगता है ना, तो ये एकदम कंफर्टेबल लगता है मुझे। और स्किन के बाद जैसे मैंने बताया आपको, अगर कौन से, क्योंकि बहुत सारे पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं अगर आप अलग अलग प्रोडक्ट्स नॉर्मली ट्राई करते रहते, तो जैसे आपको स्किन के लिए सूट होता है ना, तो वही चीज़ आप लगाइए तो कंफर्टेबल एकदम आपका स्किन भी एकदम अच्छा रहेगा, नॉर्मल जैसा आपको फील होगा, तो इसीलिए कह रही हूँ। तो एक ट्रैवल के लिए वगैरह ना, और नॉर्मली आप इधर एक अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं, या तो फिर कहीं पे भी फंक्शन के लिए जा रहे, कुछ भी चीज़ के लिए जा रहे, तो ये वाला एकदम मस्ट है। तो कैरी करने के लिए हैंड कैरी है, तो बैग में आराम से फिट हो जाता है, एक बढ़िया सा बैग में, तो एकदम मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से आप बहुत सारे आ गए हैं आजकल, अलग अलग है, मैंने ये बहुत ही अब 1.5 ईयर हो गया यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। अगर और कुछ चीज़ों के लिए यूज़ करना है मेकअप सेट ना करके, तो आपको सोप्स वगैरह, टॉयलेटरीज वगैरह, मतलब बाथरूम जो आइटम्स है वो भी कैरी करने जैसा ही है, वो भी कैरी कर सकते हैं आप, जैसे कि सोप, कोलगेट वगैरह अगर कैरी करना चाहते तो उसी के लिए भी बढ़िया सा एकदम मस्ट है, नॉट ओनली मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए बोल के बता रही हूँ मैं, तो ये बहुत ही बढ़िया सा यूज़फुल लगता है मुझे। तो आपको अगर चाहिए इस तरीके से, ये डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स डाल दूंगी मैं, लिंक में आप चेकआउट कर लीजिए वहाँ पे। तो उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बिना सब्सक्राइब किए देख रहे, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस तरीके से और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए मैं लेकर आऊँ, तो आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है, तो आप सपोर्ट कीजिए। आज तक जितने लोगों ने सपोर्ट किया है उनके लिए बहुत बढ़िया थैंक यू है, थैंक यू सो मच, और आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चैनल को पहले जाके सब्सक्राइब कीजिए अगर कोई नहीं किया है तो, और उसके बाद वहाँ पे साइड पे बेल बटन है तो उसको क्लिक करके ऑल कर दीजिए, तभी जो भी मैं वीडियोस डालूँगी ना अब तक नोटिफिकेशन आएगा, इसके लिए ऑल करके रखिए। और बात करना है तो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, तो ही दूसरे लोगों तक जाएगा वीडियो, आपके फ्रेंड्स फैमिली किसी को शेयर करना है आप शेयर कीजिए, तो उनको वो लोग भी देखेंगे, तो उम्मीद करती हूँ उनको भी, कि मैं बहुत सारे ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस डाली हूँ मैं, तो वो लोग भी आएंगे, पिकनिक वगैरह कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, तो इसीलिए कह रही हूँ आप शेयर ढेर सारा शेयर कर दीजिए, और इस तरीके से सपोर्ट करते रहिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू गाइज़।